कर दूसरे की जगह शिक्षिका की नौकरी करने वाले एक अभियुक्ता को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। 5,21,504 मामलों में से 4,84,798 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण। दो शातिर लुटेरे को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल, मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, एक कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने के आरोप में एक अभियुक्त को खोराबार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की दो बैटरी को किया बरामद, भेजा जेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय मनोज कुमार सिंह गौतम की मौजूदगी में 28 पारिवारिक जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर माल्यार्पण कर करवाया गया विदाई। पारिवारिक न्यायालय में 149 में से 88 मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण। तीसवीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 का पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमन ने किया शुभारंभ। कहा, प्रतियोगिता के उपरांत रेलवे सुरक्षा बल की चयनित बास्केटबॉल की टीम अखिल भारतीय पुलिस खेल और अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता में नए आयाम करेगी स्थापित। सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए जमीन व मकान के कब्जे तथा पारिवारिक विवाद के, टीम गठित कर किया जाएगा प्रकरण का निस्तारण।